हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है जसराज और आप देख रहे हैं द सोल कंप्यूटर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो 500-500 रुपए की किस्त प्रधानमंत्री जनधन खातों में ट्रांसफर की गई है, जो ईएक्स गरीता पेमेंट था, वो पेमेंट किन किन लोगों को कब कब पेमेंट मिलेगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन से खाता धारक को कितने तारीख को आपके अकाउंट में पेमेंट जमा होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखते रहिए, और अभी तक आपने हमारा इस जसोल कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके से आपको हमारे नए नए वीडियो समय समय पर मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये लेटर जारी हुआ है, आप देख सकते हैं इस लेटर में बताया गया है कि COVID-19 गरीता पेमेंट 500 रुपये की किस्त मई में 2020 में कैसे दी जाएगी, वो भी प्रधानमंत्री महिला के जनधन खातों में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये पैराग्राफ दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए 0 से 1 अकाउंट नंबर जो लास्ट डिजिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट है 0 से 1 डिजिट है, वहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं 4 तारीख 5वां महीना 2020 को ट्रांसफर होगा, यानी वो 4 तारीख को पेमेंट है वो उठा सकते हैं। लेकिन पेमेंट है वो पहले भी ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन 4 तारीख तक पेमेंट पक्का ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं ये नीचे वाली टैब में 2 से 3 नंबर जो लास्ट अकाउंट है वो पेमेंट है 5/5/2020 को ट्रांसफर होगा, और इसी तरीके से 4 और 5 अकाउंट नंबर है उसका पेमेंट 6/5/2020 को ट्रांसफर होगा, और इसी तरीके से आप देख सकते हो फिर 6 और 7 का पेमेंट है वो 8/5/2020 को ट्रांसफर होगा, और 8 और 9 का जो लास्ट अकाउंट नंबर है उनका पेमेंट है 11/5/2020 को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर इस पेमेंट को आप अपने नज़दीकी बीसी पॉइंट से भी विड्रॉल कर सकते हो, या आप जब भी आपका मन हो, जब आपको पेमेंट की ज़रूरत हो उसी टाइम आप पेमेंट को निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिस तारीख को आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसी दिन आपको पेमेंट निकालना जरूरी है। कोई कोई ऐसी अफवाह फैला देते हैं कि आप अगर पेमेंट नहीं उठाओगे तो आपका पेमेंट वापस रिटर्न हो जाएगा। ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है कि पेमेंट वापस रिटर्न हो जाए। आपको जब भी जरूरत हो आप अपने बैंक से या बीसी पॉइंट से अपना पेमेंट है वो विड्रॉल कर सकते हो। इसी प्रकार जो मैंने आपको डेट बताई है, इस डेट को आपका पेमेंट है आपके अकाउंट नंबर के हिसाब से ट्रांसफर हो जाएगा, और पहले भी हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।